हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक सी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एल्युमिनियम फॉयल हैक्स। ये हैक्स आपकी डेली लाइफ को काफी आसान बना देंगे, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। साथ ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एल्युमिनियम फॉयल को डायरेक्ट फ्लेम पर रखने से क्या वो पॉलीथिन की तरह पिघल जाती है या फिर वैसी की वैसी ही रहती है। अगर आपने पिंक सी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसे स्टीम देने की ज़रूरत है और आपके पास स्टीमर नहीं है, तो आपको एल्युमिनियम फॉयल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उनकी इस तरह से बॉल बना लेनी है और उनको पानी में डाल देना है। तो हमारा बनके तैयार है DIY स्टैंड। इस ट्रिक का यूज करके आप मोमोज, इडली, बड़ा, राइस बॉल्स वगैरह बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह तो रख के ले ही जाते हैं। ये खाने पीने का सामान हम अक्सर अपने टिफ़िन बॉक्सेस में या फिर डब्बों में रख के ले जाते हैं। ये टिफ़िन बॉक्सेस या डब्बे हम खाने पीने के बाद फेंक भी नहीं सकते और हम इनको अपने बैग में ही रख लेते हैं, जिससे ये हमारे बैग में अननेसेसरी स्पेस लेते रहते हैं। तो ये वाला हैक आपके लिए काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होने वाला है और आपके बैग में स्पेस भी कम लेगा। इसके लिए आपको प्लेन पॉलीथीन ले लेनी है और एल्युमिनियम फॉयल ले लेनी है। एल्युमिनियम फॉयल के बीच में पॉलीथीन को रखकर उसके ऊपर प्रेस चला देनी है, जिससे कि उसके किनारे जो है वो आपस में चिपक जाते हैं और एक एयरटाइट पॉलीथीन बैग बनके तैयार हो जाता है। इस ट्रिक से आप काफ़ी खाने पीने की चीज़ों को पैक कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त अक्सर किचन में बर्तन जल जाते हैं या फिर लंबे समय से डब्बे साफ़ नहीं किए होते हैं या फिर फ्रिज की रैक वगैरह इसके ऊपर खाना गिर जाता है और वो काफ़ी गंदी हो जाती हैं जो कि साफ़ नहीं होती हैं। बर्तन रखने वाला स्टैंड जिसके ऊपर लगातार पानी गिरते रहने से उसके ऊपर एक गंदगी की परत जमा हो जाती है। तो सिंपली करना आपको ये है कि एल्युमिनियम फॉइल की आपको बॉल बना लेनी है और उसको पानी में डिप करके उसके ऊपर रब करना है। ऐसा करने से पुरानी गंदगी भी मिनटों में साफ हो जाएगी और आपका बर्तन लगने लगेगा एकदम नया जैसा। छोटे मुंह वाली बॉटल या फिर कंटेनर में जब हम कोई लिक्विड आइटम को ट्रांसफ़र करते हैं तो होता ये है कि वो आधा तो बॉटल में चला जाता है और आधा नीचे फैल जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा ले लेना है और उसको इस तरह से बीच में से मोड़ के आपको कॉन बना लेना है। और हमारा कॉन बन के है रेडी। अब इसको नीचे से कट कर लेना है जिससे कि इसका होल बन सके। अब बहुत ही आसानी से आप कोई भी लिक्विड आइटम को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं क्रिस्पी क्रंची ब्रेड का, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बस आपको एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा ले लेना है और उसके बीच में ब्रेड को रख देना है और फिर उसके ऊपर प्रेस रख देनी है। तो बस आपका तैयार है बनके क्रिस्पी क्रंची ब्रेड कुछ इस तरह का। खाना केलों को अगर लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो केलों के स्टेम पर एल्युमिनियम फॉइल को कुछ इस तरह से लपेट दें। केले के स्टेम से पकते समय एथिलीन गैस रिलीज होती है। एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह लपेट देने से ये गैस वहीं लॉक हो जाती है और केलों की जो पकने की प्रोसेस है वो बहुत धीमी हो जाती है, जिससे केले लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। एक समय के बाद सीजर अपनी शार्पनेस खो देती है। फिर उससे हम कोई कपड़ा या फिर बाल अपने कट करना चाहते हैं तो वो कट नहीं होते हैं। अगर आपकी सीजर अपनी शार्पनेस खो चुकी है, उससे आप किसी चीज़ को कट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला हैक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एल्युमिनियम फॉइल को 4 से 5 बार फोल्ड कर लेना है और सीजर से उसको बारीक बारीक कट करना है। ऐसा करने से आपकी सीजर के जो एजेस हैं वो शार्प हो जाएंगे और आपकी सीजर पहले जैसे ही वर्क करने लगेगी। अभी हम चिप्स, नमकीन, पैकेट फूड या फिर किचन में इस्तेमाल होने वाले पैक्ड फूड को जब हम खोल लेते हैं एक बार, तो कुछ समय के बाद वो मॉइस्चर पाकर सॉफ्ट हो जाते हैं और उनकी फ्रेशनेस लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाती है। ये है सेसमे सीड का पैकेट जिसमें थोड़े से सीड अभी बाकी हैं। तो बस मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल के बीच में रख के इसके ऊपर प्रेस चला देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से पैक हो जाएगा ऊपर से और इसमें एयर नहीं जाएगी। फाइनली एल्युमिनियम फॉइल के इतने सारे फायदे जानने के बाद में हम देखें एल्युमिनियम फॉइल को अगर डायरेक्ट आग पे रखा जाता है तो उसका क्या होता है। मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा ले लिया है
और इसके नीचे मैंने कैंडल को जलाया हुआ है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एल्युमिनियम फॉइल थोड़ी देर में आग पकड़ लेगा। काफ़ी देर से इसको आग पर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आग पकड़ेगा भी। धुएं की वजह से ये काला तो पड़ गया, लेकिन ये जला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो आगे लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।